मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि भाई प्लीज परिवार सीजन 1 का रिव्यू करो। मैं एक्चुअली यही पढ़ा, फिर जब गूगल सर्च किया तो ऐसा कोई शो ही नहीं दिखा। मैं कमेंट फिर से पढ़ा तो पता चला ये परिवार नहीं, ये परिवार है। और हाँ, ये ऐसा वॉर है जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपका ये आम आदमी रिव्यू करेगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार की न्यू रिलीज परिवार को। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इस शो को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे फ्री में देख सकते हैं। और दूसरा, धन्य हो ऐसे सब्सक्राइबर का जो आपको क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। परिवार एक ऐसा शो है जिसका कोई प्रमोशन या मार्केटिंग नहीं हुआ, इसलिए शायद मैंने इसके बारे में कभी कुछ सुना ही नहीं। लेकिन सिर्फ 3 नाम देखने पे मैं अपने आप को इस शो को देखने से रोक नहीं पाया। गजराज राव, विजय राज एंड रणवीर शोरी। ये एक मिनी सीरीज है जहां सिर्फ 6 एपिसोड्स है, वो भी 20 मिनट्स ईच, इसलिए इस रिव्यू को भी मिनी ही रखेंगे। बात करें अगर स्टोरी की तो ये अलाहाबाद यानी प्रयागराज की एक परिवार की कहानी है जहां दो भाई बीच हमेशा वॉर चालू रहता है, जिसमें बड़ा भाई है यशपाल शर्मा और छोटा भाई है रणवीर शोरे। इन दोनों की एक छोटी बहन भी है जिसका रोल निधि सिंह प्ले कर रही है, और इन तीनों का बाप है गजराज राव। अब पूरी कहानी रिवॉल्व करती है गजराज राव के 40 एकड़ की जमीन के ऊपर जहां वो एक आश्रम बनवाना चाहते हैं, लेकिन दोनों बेटे इसके खिलाफ है। अब वो जमीन एक ऐसा बखेड़ा खड़ा करता है इस परिवार के बीच कि ये परिवार नहीं परिवार बन जाता है। और ऐसे कॉमेडी सिचुएशंस आते हैं कि आपकी हंसी ही नहीं रुकेगी। शो में जब ऐसे जबरदस्त एक्टर्स हो जिनका कभी कभी सिर्फ चेहरा ही देखने से हंसी आ जाए तो आप उस शो को कैसे नहीं देख सकते। विजय राज इसमें एक वॉनबी एक्टर के साथ साथ गजराज राव के चापलूसी वाले दोस्त भी बने हैं जिसका नजर उस जमीन पे है। इनका परफॉर्मेंस एज ऑलवेज जबरदस्त था, और ये जब जब स्क्रीन पे आते हैं कुछ न कुछ कांड कर जाते हैं, और ये ऐसे एक्टर है जिनको आप थ्रू आउट स्क्रीन पे देख सकते हैं। रणवीर शोरे और यशपाल शर्मा के बीच का वॉर बहुत इंटरेस्टिंग था देखने में, जो आपको थ्रू आउट हंसाता रहेगा। निधि सिंह का परफॉर्मेंस डिसेंट था, एंड पाताल लोक के हथौड़ा त्यागी यानी अभिषेक बैनर्जी को तो आप बिल्कुल ही नए अंदाज में देखेंगे, जो ऑनेस्टली काफी वियर्ड लगा मुझे देखने में, क्योंकि उनको पॉजिटिव रोल करते देखने की आदत नहीं है। लेकिन इन सब दिग्गज के होते हुए भी जो एक्चुअली में दिल जीता वो था कुमार वरुण, जो इस परिवार का नौकर है। शो का ऑलमोस्ट सभी पंचलाइंस वरुण के पास ही था, और वो उसको एफर्टलेसली स्क्रीन पे उतारे हैं, और इनके मुंह से निकला हुआ एक एक डायलॉग जबरदस्त था जिससे आपकी हंसी निकल ही जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गजराज राव, जिनका जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। एट प्रेजेंट गजराज राव एक ऐसे एक्टर है जो कुछ भी करे लोग उनको पसंद करेंगे। उनका कॉमिक टाइमिंग, स्क्रीन प्रेजेंस और डायलॉग डिलीवरी टॉप नॉच है। पर्सनली मैं गजराज राव और पंकज त्रिपाठी को एक साथ जरूर देखना चाहूंगा, क्योंकि दोनों आज के डेट के क्लास एक्टर्स हैं। बात करूं अगर शो के स्क्रीन प्ले की तो वो जबरदस्त है, जो आपको कंटिन्यूसली एंगेज करके रखता है। और सिंस सिर्फ 20 मिनट का ही एपिसोड है तो शो कब शुरू होता है और कब खत्म होता है पता ही नहीं चलता। बस बीच में 3rd या 4th एपिसोड में शो थोड़ा ड्रैग करने लगता है अपने रेपिटेटिव जोक्स के साथ, जिसको देख के मुझे लगा कि ये शो अगर 1.5 घंटे की एक मूवी होती तो मजा आ जाता। लेकिन इसका क्लिफ हैंगर देख के समझ आया कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि शो को जिस तरह से एंड किया गया है वो सीजन 2 को और भी अच्छा और भी इंटरेस्टिंग बना सकता है। और एंड में एक ऐसा सरप्राइज है जिसको देखकर आप शो को बधाई देना चाहेंगे। तो गाइज, इन कंक्लूजन, शो थोड़ा प्रेडिक्टेबल है और आपको एग्जैक्टली पता होता है कि एंड में क्या होने वाला है, बट फिर भी आप शो को देखते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ इसके जबरदस्त कास्ट की वजह से। प्रेडिक्टेबल होने के बाद भी ये शो अपने देसी और रियलिस्टिक लैंग्वेज से, अपने जबरदस्त डायलॉग से और सभी एक्टर्स अपने परफॉर्मेंस से आपका दिल जीत लेंगे। गाइज, ऐसे शो एंड एक्टर्स को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉलीवुड के चमक धमक में ऐसे एक्टर्स पीछे छूटने लगते हैं। इसलिए सिर्फ 2 घंटे की ही बात है, प्लस फ्री में भी अवेलेबल हॉटस्टार पे, इसलिए वेट मत कीजिए, इसको आज ही देखिए, आप रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस रिव्यू से अगर आप अग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड मेरे आने वाले रिव्यूज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में या फिर नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।